रहती यार जी। जैसे गंडे काटने का नहीं होता है ये गंडासी बोलते हैं इसको। गंडासी या ऊंचट वाले हैं ये जैसे गंडे का नो काटते हैं ठेली ठेली भरती है ना जी गंडे जी में सात आदमी गाँव अच्छा गाँव का कोई कौन गवाह बनाए जी ऐसे में वहाँ से जो उस पर हाथ पवार कराया शुरू वाला अच्छा वहाँ से ट्रैक्टर को जो चलता आराम से ट्रैक्टर था रोड टूट रहा था वहाँ से जो है वो भाग लिया ट्रैक्टर पैसे कूद गए ट्रैक्टर भी मुद्दा मरने से बच रहा है ऐसे आड्डा हो रहा है तो वहीं पे खड़े हैं ट्रैक्टर भी ट्रैक्टर तो ना एक तो पुलिस वाले फोटो वोटो लेकर थाने में ले गए थे कम 1-1.5 किलोमीटर भाग गया खेतों में गए अच्छा ना उसके पैरों में चप्पल थी जी जो जो है चप्पल भी निकल गई उसका फोन जा रहा था फोन भी गिर गया कहीं पता ना वे ले गए फोन को फोन भी था बटुआ भी था वहाँ पोस्टमार्टम में तो कुछ नहीं मिला उसके पास तो जी उसका एक तो गर्दन पे है पूरा गहरा घाव है जी एक सिर में पिछली साइड है हाँ एक हाथ पे है एक पैर पे है यहाँ गोड्डे से नीचे हाथ पे भी यहाँ है और एक कमर में भी है एक दो ये बच्चों का छोटी कहानियों पे ये बढ़ता चलेगा जी नहीं होना चाहिए था नहीं ये होना तो चाहिए था जी। बड़े बहुत सयाने। शिक्षित पढ़ा लिखा परिवार है सर। हाँ जी सुनने में आया कि हाँ ये सर भाई अध्यापक दादा भी मास्टर थे जी बहुत बढ़िया परिवार सर। हाँ हाँ और जमीन जायदाद भी ठीक अच्छी हाँ जी जमीन जमीन भी ठीक है सर गुजारे ठीक है बहुत बढ़िया सर। फिर भी इन बातें ले गए गम्मा में क्यों झगड़े बस ये पड़े। छोटे छोटे बच्चे थे अनसमझ थे बड़े ने तो 2-3 बार लिखा फैसला भी करा भाई झगड़ा मत करो जी लेकिन ये बच्चे थे जी नादान बुद्धि करके देखो भाई ये बड़े बुजुर्ग हैं गाँव के बैठे हैं यहाँ पे और आज बेहद दुख की घड़ी में बैठे हैं और जो परिवार पे जिन पर आरोप लगे हैं उनके वे यहाँ से गए हुए और पशु भी प्यासे तेसाए बैठे हैं वहाँ पे बता रहे हैं जैसा अंकल जी ने बताया। अंकल जी पानी वानी पिया किसी ने हाँ जी गाय हमने गाय को पानी पिलाया सुबह बहुत बढ़िया काम करे अंकल जी पशु उसको का क्या कसूर है उसको चारा भी डाला सर हाँ पानी पिलाया हमने एक ही गाय है एक ही गाय सर बछड़ा भी है नहीं सर गाय गाय का नहीं गाय गाय है उसको अभी प्रशासन ने हैंड ओवर करने आया हाँ सर कौन लेके जा रहा है गाय को अब सर ये नहीं पता ये प्रशासन बताएगा कि किसको ऑर्डर किया सर। जी सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों ने दिनेश देसवाल की राम राम नमस्ते भाई। हाल फिलहाल ककरोई गांव के रोड पर खड़े हैं और ये सोनीपत जिले का गांव है ककरोई। ककरोई में एक कल हत्या को अंजाम दिया गया है बुरी तरह काटा गया है एक लड़के को गंडासों द्वारा जो कि बताया गया है उसके चचेरे भाइयों ने ही काटा उसको और उसी रास्ते पे हैं हम जहाँ पे वो ट्रैक्टर ले गया अपना पक्का काट के ट्रैक्टर में लेके जा रहा था इसी रास्ते से और इसी रास्ते से पीछे से जो संदीप ने बताया कि इसी रास्ते से वो ट्रैक्टर पे जा रहा था और उस पर ट्रैक्टर पे बैठे बैठे वार किया रास्ता थोड़ा कच्चा है यहाँ पे उस पर वार किए गए हैं और वहाँ से उतर के भाग गया वो दिखाते आपको ये रास्ते की रिपोर्ट पूरी देखो ये इधर ककरोई से आ रहा था रास्ता और यहाँ ककरोई से वो मक्का लेके आ रहा था ट्रैक्टर में मक्का डाल के इधर ले जा रहा था सोनीपत की तरफ और ये रास्ता थोड़ा है टूटा हुआ रास्ता है इधर से आ रहा था वो और यहाँ पे उसका ट्रैक्टर थोड़ा मंदा होया हर मंदा होती है उसके उस पर पहला बार ट्रैक्टर पे बैठे पे किया गया है जैसा कि उसके पिताजी ने बताया संदीप जी ने हमारे को सन्नी पे काफ़ी वार किए गए हैं और यहाँ से वो ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया है और ट्रैक्टर भी शायद गड्ढा में गल गया और ट्रैक्टर छोड़ के जैसे वो पैदल चला है तो गंडासों से उस पर काफ़ी वार किए हैं और वो इस साइड खेतों में भाग गया फिर खेतों में भागते भागते दूर तक गया है और काफ़ी दूर तक भाग गया है पीछे पीछे वो भाग गए गंडासे जेड़ी लेकर जो भी तेजधार हथियार लेकर भाग गए उसके साथ और यहाँ रास्ता थोड़ा कच्चा होने के कारण उसका ट्रैक्टर थोड़ा बहुत मंदा होया मंदा होने के कारण उसको पकड़ा गया है और भाई उसने काफ़ी भागदौड़ भी की है सन्नी ने और चचेरे भाई ये बताए गए हैं उसके जो कि उसके फादर ने बताया सन्नी के फादर ने जो हमारे को बताई है पूरी रिपोर्ट चचेरे भाइयों द्वारा ही उसकी से काफ़ी वार किए गए हैं गर्दन पे भी हाथों पे भी कई जगह वार किए गए हैं और भाई उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे रहेगी 5 महीने की लड़की है शादीशुदा था 27 साल उम्र बताई गई है और ग्रेजुएशन की थी पढ़ा लिखा भी था और भाई उसी के साथ आरोपी पकड़े भी गए हैं दो आरोपी पकड़े गए हैं जैसा कि पुलिस प्रशासन ने बताया और बाकी पकड़े जाने रह रहे हैं 7 आदमियों के नाम बता रहा है सन्नी का जो पिताजी है उसने 7 आदमी बताए गए हैं लगभग 7 आदमियों द्वारा ये हत्या की गई है। तो भाई इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ये हाल फिलहाल हम ककरोई गांव में पहुंच गए भाई और ये
ककरोई गांव में नहर है और नहरों के पास में ये गांव है, ककरोई सोनीपत में पड़ा है यो। और यहाँ पे हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर 2 मर्डर हो गए भाई, पता नहीं इस गांव में क्या घुस गया ईसा। देखो भाई नहरों के साथ में लगता गांव है ककरोई, और ये गांव है भाई, यहाँ से सन्नी है जो इसी गांव से निकला है ट्रैक्टर लेके, और ये इस सोनीपत साइड गया है, यहाँ नहरों से होता हुआ उसका ट्रैक्टर मारा गया है भाई को। तेज धार हथियार है जी, जैसे गंडे काटने का नहीं होता है, गंडासी या ऊंचड़ वाले हैं ये, जैसे गंडे का नो काटते हैं ठेली ठेली भरती है ना जी जी। लगभग कितने लोग आरोपी लग रहे हैं आपको अंकल वहाँ, कितने लोगों का काम है ये? काम तो जी ये 7 आदमी गाँव। अच्छा, तो मौके पे वहाँ कोई देखने वाला नहीं था? दो तीन के रिश्तेदार हैं जी, मौके पर तो जी और तो आते जाते हैं, देखे हैं, रोड का काम था जी, उसमें गाँव क्या ने भी देखे हैं, पर गाँव का कोई कौन गवाह बना है जी ऐसे में, और देखे हैं और वे तो बता रहे हैं जैसे ये सुनने में आओ भाई, न्यून से भी आ गए, न्यून से भी आ गए, मतलब घेराव किया गया उसको। हाँ, चारों तरफ से घेर गया। ट्रैक्टर पे बैठे था वो कि नीचे था? ट्रैक्टर पे तो शुरू वाला वार करते वहाँ से, जो उस पर हाथ पर वार कराया शुरू वाला, वहाँ से ट्रैक्टर को जो चलता आराम से, ट्रैक्टर था रोड टूट रहा था, वहाँ से जो है वो भाग लिया ट्रैक्टर पैसे कूद गए, ट्रैक्टर भी मुद्दा मरने से बच रहा है, ऐसे अड्डा हो रहा है वहीं पे खड़ा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो ना एक तो पुलिस वाले फोटो वोटो लेकर थाने में ले गए थे। अच्छा, कुछ देर तक भाग गया है वो? देर तो जी वो भाग गया, कम से कम 1.5 किलोमीटर भाग गया खेतों में गए। अच्छा, ना उसके पैरों में चप्पल थी, जो है चप्पल भी निकल गई, उसका फोन जा रहा था, फोन भी गिर गया कहीं, पता ना वे ले गए फोन को, फोन भी था बटुआ भी था वहाँ, पोस्टमार्टम में तो कुछ नहीं मिला उसके पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ ली अंकल जी? ना अभी तो पोस्टमार्टम की तो मन। कितने वार किए, कहाँ कहाँ वार कर रखे हैं बच्चे को? वार तो जी उसका एक तो गर्दन पे है पूरा गहरा घाव है जी, एक सिर में पिछली साइड है, एक हाथ पे है, एक पैर पे है, यहाँ गोड्डे से नीचे हाथ पे भी यहाँ है, और एक कमर में भी है एक दो। काफी जगह वार है? कम से कम 7-8 बार दाऊं जी, पूरे गहरे घाव है, वैसे नहीं थोड़े बहुत है, पूरे घाव। तो ये पढ़ा लिखा भी था अपना लड़का कुछ? हाँ, ग्रेजुएशन। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। इसी गांव से अंकल जी? हाँ सर। क्या नाम है अपना? सतवीर सिंह है सर। सतवीर सिंह जी, ये घटना हुई है वो परिवार पशु वशु बंध रहे बता रहे हो आप? नहीं, एक ही गाय बंधी हुई है, दूसरा तो अपना पशु साथ में लेगा सर। अच्छा अच्छा, वो गाय बंधी हुई है? हाँ सर। तो प्रशासन आया हुआ अभी? प्रशासन आया हुआ सर। तो गांव गाय को कौन संभाल रहा है उसको, जो गाय पशु है? अब उनके कोई रिश्तेदार वगैरह पुलिस हैंड ओवर करेगी जी, किसको करेगी हमको पता नहीं जी। तो ये झगड़ा क्यों बढ़ा अंकल जी, थोड़ा बता सको डिटेल? सर ये बच्चों का छोटी छोटी कहानियों पर बढ़ता चला गया जी, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। बहुत शिक्षित पढ़ा लिखा परिवार है सर। हाँ जी, सुनने में आया कि भाई दादा भी मास्टर थे जी, बहुत बढ़िया परिवार सर। हाँ, और जमीन जायदाद भी ठीक, अच्छी जमीन, जमीन भी ठीक है, गुजारे ठीक है, बहुत बढ़िया सर। फिर भी इन बात ने ले गए गम्मा में, क्यों झगड़े? छोटे छोटे बच्चे थे, अनसमझ थे, बड़े ने तो 2-3 बार लिखा फैसला भी करा भाई झगड़ा मत करो जी, लेकिन ये बच्चे थे जी नादान बुद्धि करके। देखो भाई ये बड़े बुजुर्ग हैं गाँव के, बैठे हैं यहाँ पे और आज बेहद दुख की घड़ी में बैठे हैं, और जो परिवार पे जिन पर आरोप लगे हैं उनके वे यहाँ से गए हुए, और पशु भी प्यासे तेसाए बैठे हैं वहाँ पे बता रहे हैं, जैसा अंकल जी ने बताया। अंकल जी पानी वानी पिया किसी ने? हाँ जी, हमने गाय को पानी पिलाया सुबह। बहुत बढ़िया काम करे अंकल जी, पशु का क्या कसूर है? उसको चारा भी डाला सर। हाँ, पानी पिलाया हमने। एक ही गाय है? एक ही गाय सर। बछड़ा भी है? नहीं सर, गाय गाय का नहीं, गाय गाय है। उसको अभी प्रशासन हैंड ओवर करने आया? हाँ सर। कौन लेके जा रहा गाय को? अब सर ये नहीं पता, ये प्रशासन बताएगा जी किसको ऑर्डर किया सर जी। चलो अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गड़ा बढ़ता बढ़ता मतलब गांव का इधर से उधर घूम घाम के ना आपके घर में आ घुसा, तो ये झगड़े पंचायती तौर पर निमटने चाहिए कि कोर्टा में निमटने चाहिए, क्या कह रहे हो इस पाप का, क्या विचार आपकी? ये तो जी वैसे कोर्टा में निमटेंगे जो भी है। नहीं मान लो यहाँ उठ बैठ के बातचीत हो जाती तो इस समस्या का हल निकल सके था? पहले तो निमट जाए, पहले तो निमट जाए, तो जी कोर्ट से निमटेगा जो भी है, कोर्ट से न्याय चाहिए, जो भी न्याय कोर्ट करेगा।
तो ये काफी झगड़ा घूमता रहा, पीछे से चलता रहा है, जैसे इधर का उधर। आप इतना तो नहीं कह सुनी है, ये घर परिवार में तो और इतनी नहीं थी कि भाई जो को इतनी बड़ी बात थी जो इनने ये मर्डरता ही कर दिया। और इतनी बड़ी तो ये तो पहले भी को था, साधा में घर परिवार में आज भाई भाई होगी छोटी मोटी होती रहे। तो आप युवाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो? आज आपका बच्चा, हमें बेहद दुख आपके पास नहीं है, लेकिन आगे मतलब लोगों को या युवा बच्चों को क्या संदेश देना चाह रहे हो आप, थोड़ा बताओ। संदेश तो जी ये है, अपने आराम से रहे, अपने काम कर रही है जो है, और पर कल के बच्चों का दिमाग और रहेगा जी। आज तो मानते नहीं, अपनी मर्जी से चले हैं, मतलब बड़ों की माननी चाहिए। हाँ माननी चाहिए जी, पहले तो इतने नहीं झगड़े होते थे, तो ले हैं पर छोटी बात पे कत्ल करते हैं, गोली चलाते हैं और करते हैं मर्डर, छोटी छोटी बात तो बोल जाए, तो ये भी क्या थी है? कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी थी जो है, वो कह रहे हैं फिर दूसरे पर थोप रहे हैं भी बात को, भाई तन नाश करा दी। अरे दिमाग अपने में भी होना चाहिए, दूसरा कौन के इसका दूसरा तो करा होगा, अपने में भी तो सोचनी चाहिए भाई, सहनशीलता रखनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल समस्या का हल निकल सके था। हाँ जी नाश तो फिर दोनों साइड तो वो बात जी जी ठीक अंकल जी।